बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ सब ठीक ठाक होंगे। तो करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज़। शाम होने को है, तकरीबन 5:30 बज चुके हैं और मैं, भाई फ़याज़ और हमना बेटी हम लोग जा रहे हैं उस्मान लोगों के घर, तो उनसे ईद मिलने। भाई जावेद को भी बोला, अब्बास को भी, उनको काम था क्योंकि उन्होंने सुबह भी चारा अपना नहीं बनाया था, तो बाजी ज़िद कर रही थी कि आज तो ईद का दिन है तो आके तो मिल जाए। तो बच्चे भी काफ़ी ज़िद कर रहे थे, तो अब्बू अम्मी जी अब्बास कहने लगे कि भाई फ़याज के साथ चली जाओ। तो यहाँ पे हमना हिबा भी ज़िद कर रही थी, हमना भी कह रही कि मैंने पप्पू के घर जाना ना। तो बस आज ईद का फर्स्ट डे है और हम लोग, शाम का टाइम है, पसीना इतना ज़्यादा, मेकअप करने का क्या फ़ायदा, इतना ज़्यादा पसीना आया हुआ है ना। तो हम लोग जा रहे हैं आपी से मिलने, बच्चों से, बच्चों को मतलब ईद मिलने जा रहे हैं। तो अच्छा जी, भाई प्यास नहीं जा रहे, शायद उनका मूड ऑफ था। तो फिर अब्बू कहते हैं कि अब्बास को इसलिए मतलब तो नहीं जा रहे थे क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा थे, सुबह भी चारा कम बनाया था, कल शाम को बनाया था लेकिन कम था। तो ये कह रही थी कि अगर मैं चला गया तो फिर अब्बू जी पीछे से अकेले हैं, भाई जावेद पे अपना काम कर रहे हैं, तो इस वजह से फिर अब्बास नहीं जा रहे थे। तो फिर अब्बू जी ने कहा कि मैं काम कर लूँगा तो आप लोग जाए ना। तो फिर अब्बास जा रहे हैं तो साथ में बच्चे जा रहे हैं, हिबा और हमना बेटी जा रही है साथ। तो कपड़े मैंने अब्बास के निकाल के रख दिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए फिर मैं अब कूलर चलाने लगी हूँ। बहुत बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो क्या फ़ायदा मेकअप करने का, इतनी ज़्यादा गर्मी है तो दिल भी नहीं करता। तो बस बच्चे ज़िद कर रहे थे, बाजी कह रही थी, तो इस वजह से फिर हम लोग जा रहे हैं, वरना गर्मी इतनी ज़्यादा है। सुबह से मैंने दूसरे वाला सूट पहना हुआ था तो दिल नहीं कर रहा था। तो बस कैसी लगी मेरी आपको तैयारी, सिंपल सादा से मैंने तैयारी की है। हम ना हिबा जा रही है हमारे साथ, मोइज़ ज़िद कर रहा है मेरे भी जाना है। मैंने कहा चले घूम फिर आते हैं क्योंकि बच्चों की ईद है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। दूसरी चीज जूती चेंज कर ली? बहुत खुली है अच्छा जी अच्छा, मोहित तो बड़ा अच्छा बच्चा है। अच्छा मेरा बंद है शीशा, सारे तरफ बंद कर लो। अच्छा जी बच्चे, शीशा खुलिया बंद कर, अरे बंद कर। अब खुश है? हां जी बहुत बहुत ज्यादा गर्मी है, तोबा तोबा, एसी चला तो कुछ सुकून आया। हाँ जी, घर पे तो इतनी गर्मी है, मामा कोई लेके नहीं जा रहा था, चाचू, चाचू ने कहा चलो बच्चों मैं भी आप लोगों को लेके चलता हूँ। देखा बच्चों के पास, चाचू बाहर चीजें भी लेके दे देते हैं हमको, बाहर बहुत अच्छे हैं। अच्छा प्याज तो मक्की जूस नहीं, चाचू प्याज भी अच्छे तो वैसे को लेके तो नहीं जाते, चाची की घर के बहुत ही नजदीक हम लोग पहुंच चुके हैं। ये माशाल्लाह दिली है, छुट्टी नहीं दिली? हाँ जी हाँ, लेट भी जी सही। मौसम भी खराब हो रहा है, बादल बन रहे हैं, तकरीबन टाइम जो है ना वो 5 से ऊपर हो गया टाइम। फिर उधर
हाँ जी 40 मिनट हो चुके हैं, 5 बज गए। अच्छा जी, आप इसे मिली है, उस्मान बेटा हमारे साथ जा रहा है। उस्मान तो सामने हो भाई, तो दूसरे तो भी कह रहे थे हम लोगों ने जाना, तो भाई कह रहे थे कि हम लोग चक्कर लगाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, तो फिर हम लोग आएंगे ना साथ में इकट्ठे। तो उस्मान ने जिद की कि मैंने मामी और मामू के साथ जाना है, ये तो आ गया। दूसरे दो पीछे रो रहे थे, और अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो तकरीबन हम लोग घंटा डेढ़ बैठे हैं ना। हाँ जी, डेढ़ घंटे के करीब हम लोग बैठे हैं। हाँ जी, चीज़ें लाना, मैं दुकान आए ना आगे, मैं लाना चाहिए हमारे बच्चे। अच्छा, बच्चे की बातें सुनने वाली है। अच्छा, उस्मान बेटा दरवाजा बंद कर देना, शीशा बंद कर दो, एसी चलता है ना पे, ठंडा हो गया। अच्छा चलो, क्योंकि बच्चे हैं जिनको वोमिटिंग होती है, इसलिए मैंने शीशा जो है ना ये अपना ओपन कर लिया। वैसे एसी दी बहुत मौज है, शाम हो चुकी है, घर वापस आ रहे हैं और मौसम भी ठंडा हो चुका है, बादल बने हुए हैं। बाकी बातें इतनी बातें ना किया करो वरना नजर लग जाएगी फिर दोबारा। बाकी की बातें सुन ले। अच्छा जी, जो सब बैठे हुए गाड़ी में खड़ा ले, वो एक चीज दे। अच्छा, अच्छा 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 बस अच्छा, 10 मिनट लेट पहुंच जाने। हमारा फर्स्ट डे जो है ना ईद का, वो तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त गुजर रहा है। और कमेंट सेक्शन में आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का जो है ना ईद का फर्स्ट डे कैसा गुजर रहा है। और हमारा तो बहुत अच्छा गुजर रहा है, सुबह से हम लोग है तो घर पे ही थे लेकिन इंजॉय किया था और बच्चों के साथ, और शाम को आवास यूँ ही समझे कि घुमाने के लिए लेके आई हैं ऐसे ही ना। हाँ जी, खाने पीने करो, नहीं नहीं कोई नमकीन हाँ जी, नहीं बाजी ने मैंने लेकिन अच्छा वो तो इन्नी प्लेट भर के लै गए बाहर, खाना तो नहीं खाया मैं, खाओ पहला। अच्छा शुरू था ही करूँ नाल खाओगे। अच्छा बच्चों की गपशप पीछे चल रही है अलग से, हम ना बेटा सर बार नहीं निकालना। अच्छा हीरा रह गई थी, उसका भी दिल था कि मुझे चाची उठा ले, अभी उसको इतनी समझ नहीं है, अगर वो फीडर के साथ दूध पी रही होती ना तो मैंने उसको साथ ले जाना था, क्योंकि वो एक मिनट तक जो है ना वो भूख बर्दाश्त नहीं करती। भाभी गास के साथ होती तो फिर तो और बात थी, लेकिन वो फीडर भी नहीं पीती, फीडर के साथ वो दूध नहीं पीती, तो यही बस बड़ी मतलब बड़ी वजह, बड़ा मसला यही है। वरना अगर फीडर के साथ दूध पी रही होती ना तो मैंने उसको भी साथ ले जाना था, लेकिन वो उसका दिल था कि चाची मुझे उठा ले। बच्चे कह रहे थे हमने चीज ले लें, लेकिन यहाँ पे सब दुकानें बंद है क्योंकि ईद का फर्स्ट डे है, तो जाहिर सी बात है लोग अपने अपने घरों में ईद एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को ये है कि दुकानें खुली और हम लोगों ने चीज ले ली है। हाँ जी, अच्छा जी, ये कूलर के सामने बैठी इतनी, हाय मेरी बेटी को कोई नहीं ठा रहा, ये आवाजें लगा रही है, चीखे मार रही है ये। हाँ जी, क्या मसला है,
गुस्सा गुस्सा चाची के साथ चाची लेके नहीं गई, चाची लेके नहीं गई मेरी गुड़िया को, ये चाची के साथ गुस्सा गुस्सा है। इतनी मेरी तो छोटी सी परी है, नन्ही सी गुड़िया। घर पहुंच गए हैं, शाम का खाना बनाया अम्मी जी ने, सारा ने बनाया हुआ था तो सब खाना खा रहे हैं। बादल बने हुए, मौसम खराब है, बारिश कब आ जाए। लोग कह ये भी कहते, ये था हमारा आज का व्लॉग, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।